आजीविका मिशन के अंतर्गत चार नगर पालिका को जीवन स्तर ऊंचा उठाने, रोजगार दिलाने के दिशा में काम किया गया है। बता दें कि 5 निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। वहीं 18 जुलाई को यह अवार्ड मिलेगा। वहीं दिल्ली में शहरी एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी प्रदान करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात यह है कि नगरीय निकाय के माध्यम से लोगों को आजीविका मिशन के लिए मदद करना, स्वरोजगार के लिए उन्हें प्रेरित करना और हमारे सुनने के बाद ही कर रहे हैं। वहीं महिला स्व सहायता समूह उद्यमिता की ओर आगे बढ़े और आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़े। वहीं नगरीय निकाय समस्या निवारण पखवाड़ा शुरू करने को लेकर भी साव ने कहा कि लंबे समय से शहर की समस्याओं को कोई नहीं सुन रहा था। हम 27 जुलाई से जन समस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन करेंगे। वहीं मूलभूत समस्याओं का निवारण भी करने का प्रयास करेंगे। वहीं सक्षम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और लगातार इसकी आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। अब हम इस पर काम करने में लगे हुए हैं। वहीं पीएससी घोटाले में सीबीआई जांच को लेकर भी अमित साव ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र का प्रमुख हिस्सा था। अब सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। अब प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय होगा। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लंबे समय से शहर के लोगों की समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं था। समस्याएं व्याप्त थी। लोगों की समस्याओं का समाधान हो इसलिए सरकार ने, विभाग ने तय किया कि हम 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जन समस्या निवारण पखवाड़ा करेंगे। इस दौरान जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, राशन कार्ड से लेकर जो अन्य समस्याएं हैं, यथासंभव कोशिश होगी कि वहीं के वहीं उन समस्याओं का निपटान हो। संबंधित विभाग के अधिकारी रहेंगे। सभी वार्डों में ये जन समस्या निवारण शिविर आयोजित